अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू SDMES बॉयज इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, इन विच आज हम देखेंगे कक्षा 4 हिंदी, जिसके अंदर कविता 7, जो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। आज हम इसका पठन करेंगे, यानी के पढ़ेंगे। कविता 7, झूला। आप देख पा रहे हो अच्छे से और आपके पास बुक भी ओपन है, ठीक है। चलिए, तो ये कविता लिखी गई है राम सिंहासन सहाय, जिसका पेट नेम है मधुर, ठीक है। यहाँ पर है प्रस्तुत कविता राम सिंहासन सहाय, मधुर रचित है। बच्चों को झूले से लगाव होता है। आप सबको झूले से लगाव है, झूला पसंद है आपको, सबको पसंद होता है, ठीक है। झूले पर चढ़कर बच्चे क्या क्या कल्पना करते हैं, इसका विवरण कविता में दिया गया है। तो झूले पर चढ़कर, झूले पे बैठकर, झूले खाते खाते हम जो तुम जो बच्चे हो वो क्या सोचते हैं, क्या कल्पना करते हैं, ठीक है। कल्पना मतलब इमेजिनेशन, क्या इमेजिन करते हो, ठीक है, क्या सोचते हो, वो हमको ये झूले में बताया हुआ है। तो चलिए मेरे साथ रीडिंग कीजिए, सबकी आवाज एक साथ आनी चाहिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। तो झूले पर बैठकर बड़े बड़े झूले खाते हैं, तब क्या सोचते हैं कि आसमान को छू लेना है अब, ठीक है। आगे चलेंगे। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। गाइए मेरे साथ। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। तो झूले खाते खाते क्या हो रहा है कि सारी जो डाली है, पत्ता पत्ता, पेड़, आसपास की जो चीजें हैं, सभी झूले खा रही है, ऐसा लगता है। और क्या कहता है बच्चे, क्या कहते हैं कि इस झूले पर बड़ा मजा है, ऐसा लगता है कि एक बार में दिल्ली जा रहे हैं तो लौटने में कलकत्ता जा रहे हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े झूले खा रहे हैं कि दिल्ली कलकत्ता ऐसे सारे शहरों की सैर कर रहे हैं, यानी घूम के आ रहे हैं। आगे हम चलेंगे। झूल रही नीचे की धरती, उड़चल 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 उड़चल। झूल रही नीचे की धरती, उड़चल 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 उड़चल। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। सब कुछ जैसे कि उड़ रहा है, ठीक है, और नीचे की धरती भी झूल रही है। जैसे कि हम झूले खा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सभी लोग जो है झूला झूल रहे हैं, ठीक है। और रिमझिम जो बारिश बरसती है, वो बादल भी जो है लूट लू ऊपर जाकर, ठीक है, झूले झूलते झूलते ऊपर जाकर बारिश से भरे हुए बादल को भी लूट लू, ऐसा बच्चों को इमेजिनेशन यानी कि कल्पना होती है। तो आपको भी ऐसी होती है? यस, होती है, राइट। चलो आगे, हमने नोटबुक में शब्दार्थ लिखने थे। झूला यानी के पालना, जिसको गुजराती में हिचको कहते हैं, तो हमको नोटबुक में ये लिखना है। क्या लिखेंगे नोटबुक में? पहले शब्दार्थ लिखना है। चलिए, मैंने क्लास में लिखवाया था, जिसका अगर बाकी है तो लिखते जाइए। कविता 7, झूला। बैक कैमरा से बता भी देना, ठीक है, अगर आपको हो गया है तो। शब्दार्थ झूला, जिसको पालना भी कहते हैं और गुजराती में हिचको, ठीक है। पत्ता यानी के पर्ण, गुजराती में जिसको पान, पांदड़ो, ठीक है, जिसको हम पत्ता कहते हैं। आसमान यानी के आकाश। आगे हम चलेंगे वापस टेक्स्ट बुक में। क्या दिया है अंदर? अभ्यास, पढ़िए और बोलिए। तो मेरे साथ साथ ये वर्ड्स को बोलेंगे, रिपीट करेंगे। चलो बोलो मेरे साथ, ये क्या है? अम्मा, बोलो अम्मा। झूला, चढ़कर, बढ़कर, दिल्ली, मजा, बड़ा,
उड़कर धरती रिमझिम। ठीक है, तो हमको क्या बोला था, पढ़िए और बोलिए। तो क्या करना है हमको, पढ़कर वापस इसको याद करना है। चलो अब तुम्हारी साइड से बोलो, ये क्या है? उड़कर, ये दिल्ली, ये रिमझिम, ये झूला, ये अम्मा। आगे चलेंगे, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये वाले प्रश्न जो है हमने स्वाध्याय पोथी में लिखे हुए हैं, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। स्वाध्याय है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लड़का अम्मा को क्या लगाने को कहता है, लड़का किसको छूने की बात करता है, और झूला कौन कौन झूल रहे हैं। तो हम आंसर लिखते भी जाएंगे और बोलते भी जाएंगे। चलिए बोलिए। सवाल है, लड़का अम्मा को क्या लगाने को कहता है? तो जवाब बोलेंगे, बोलते जाइए मेरे साथ। लड़का अम्मा से झूला लगाने को कहता है। दूसरा सवाल है, लड़का किसको छूने की बात करता है? तो लड़का आसमान को छूने की बात करता है। तीसरा सवाल है, झूला कौन कौन झूल रहे हैं? तो लड़के बच्चों के साथ साथ झूला डाली पत्ते और धरती झूला झूल रहे हैं। ये सारे जवाब जो है कविता में ही दिए होते हैं, कविता में से ही हमको ढूंढकर वाक्य बनाकर लिखना होता है। ठीक है, तो सिर्फ ये एक पेज का जो लेसन है यही तुमको नोटबुक में लिखना है, बाकी जो एक्टिविटी है वो हम टेक्स्ट बुक में ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद विलोम शब्द आएंगे जो हम पहले टेक्स्ट बुक में देख लेंगे। चलो, तो ये सवाल के जवाब आपको नोटबुक में लिखना है, इतना समझ में आया? जिसकी मैं फोटो आपको अभी ग्रुप में भेज दूंगी। आगे है, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। तो अभिनय यानी के एक्शन, एक्टिंग करनी है। तो केला कैसे खाते हैं, बनाना कैसे खाते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। आगे है, आम चूसना, मैंगो, मैंगो खाते हैं सब कैसे? तीसरा है, राखी बांधना, किसी को राखी बांधते हैं तो राखी कैसे बांधते हैं? एक्शन कीजिए। तो आगे एक्टिविटी है, पतंग उड़ाना, कैसे उड़ाते हो पतंग? अदनान करके बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे है, झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आया। चलिए अब आगे हमको बढ़ना है। आगे क्या है, पेज नंबर 37। 37 पे क्या है, काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो आपको काव्य याद होगी तो आप इस पंक्ति को पूर्ण करेंगे, यानी के फिल इन द ब्लैंक्स। चलो, अम्मा आज क्या आएगा, लगा दे झूला। तो ऐसे हमको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। ठीक है, बैक कैमरा करके बता देना, लिख लो अच्छे से, लगा दे झूला। ये कौन सा स्टांजा है? स्टांजा यानी के कविता जो होती है वो स्टांजाज में बनी होती है, जैसा पार्ट में पैराग्राफ होते हैं इस तरह। तो यहाँ पे हमको पोयम में ये जो दिया है ना, अम्मा आज लगा दे झूला, ये पूरा स्टांजा है। इसमें से जो वर्ड दिए हैं वो नहीं लिखना है, और जिसके बाजू में खाली जगह है उसके अंदर उस ब्लैंक में हम वो वर्ड को लिखेंगे। आया समझ में? इस तरह से आंसर तुमको बुक में से ही ढूंढते आना चाहिए। इस झूले, आगे आएगा पर मैं झूलूंगा, तो पूरी लाइन क्या बनेगी, इस झूले पर मैं झूलूंगा। फिर क्या है, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये सब की फोटो पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में दे दूंगी। ठीक है, अच्छे से लिखना। आगे देखेंगे हम, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान यानी के खाली जगह, फिल इन द ब्लैंक्स। मैं खेल खेल रहा हूँ, मैं यानी के सिंगल पर्सन। ठीक है, तुम खुद खेल रहे हो तो मैं खेल खेल रहा हूँ बोलूंगा, कि मैं खेल खेल रहे हैं बोलेंगे, रहा हूँ। ठीक है, अब है हम पाठशाला जा, हम यानी के मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ दूसरे भी है, तो हम पाठशाला जा रहे हैं। यह हाथी है,
ये है यानी कि यहाँ पे है दिस वाला, ठीक है, प्रेजेंट है, तो इसकी आएगा कि उसकी आएगा या फिर इनकी आएगा? इनकी कब आएगा? जब बहुत सारे हाथी हो गए तब। एक ही हाथी है तो इसकी सूंड लंबी है, जैसा कि डैश कौवा है उसका रंग काला है, तो कौवा जब वहां बैठा होगा तभी हम बोल सकते हैं उसका, यहाँ होता तो हम इसका बोलते, तो यहाँ पे क्या आएगा? वो, यानी कि वो। ना ये तितलियां है, ये यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट है और एक नहीं है, बहुत सारी है, तो इनके रंग पंख रंग बिरंगे है। एक ही तितली होती तो हम बोलते कि उसके या इसके, लेकिन बहुत सारी है इसलिए इनके पंख। आगे है वे लड़के हैं, उनके बस्ते लाल रंग के है। आया समझ में? अब चलिए अब आगे हम देखेंगे विरोधी शब्द यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स। आज कल, पढ़िए मेरे साथ, आज कल, हंसना रोना, आना जाना, सोना जागना। आ गया समझ में? ठीक है, यहाँ पे भी है चलना रुकना, और ये सेंटेंस हमने वर्कबुक के अंदर रिटर्न वर्क किया था ना बोर्ड पे से, कि एक-एक वर्ड से हमको सेंटेंस बनाना था, याद है? चलिए आगे हम देखेंगे। देखो आगे इस तरह से वापस से विलोम शब्द यानी के विरोधी शब्द दिए हैं, बोलेंगे हम ऊपर नीचे, आसमान, आसमान का आएगा धरती, क्या आएगा? धरती, तो लिखेंगे हम धरती या फिर जमीन, ठीक है। आगे है चढ़ना उतरना, छोटा बड़ा, ठीक है, और ये जो चार वर्ड है उसको हम चार और बाकी के पिछले मिला के यानी टोटल 8 वर्ड को हम नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो नोटबुक में आपको सिर्फ इतना ही कार्य करना है और बाकी जो किया हमने वो टेक्स्ट बुक में करेंगे। आया समझ में? अब एक लास्ट थिंग जो बाकी है इसके अंदर, पेज नंबर 38 यानी के 38 पर, यहाँ पे हमको क्या करना है? देखो, किसी देखे हुए झूले का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो हमने फिलहाल क्या देखा? ये झूले का चित्र देखा है ना यहाँ पे, ऐसा ही चित्र हमको यहाँ बनाना है और फिर इसके ऊपर बच्चों को बिठाना है। तुम ऐसा सोचो कि तुम अपना ही चित्र बना रहे हो, तुम अपने आप को ही ये झूले पे बिठाओगे, ठीक है? तो ऐसा सीन बनाना है और फिर तुम और तुम्हारे भाई बहन के साथ झूला झूलते हुए एक फोटो ड्रॉ करनी है, ठीक है, चित्र बनाना है, और फिर उसके अंदर क्या करना है? कलर फिल करना है। ओके, चलिए, तो आपको ये रिटर्न एक्टिविटी यानी कि लेखन कार्य समझ में आया, तो यहाँ पे हम आज का टॉपिक ओवर करेंगे। अल्लाह हाफिज।